हाय गाइस वेलकम बैक टू जर्म्यू ड्रॉप न्यूज एंड अपडेट्स दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन प्लस अपडेट शेयर करूंगा जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर सिविक के बारे में बाई डेस्क के बारे में एंड स्नैप एक्स के बारे में एंड हमारा जो पुराना वाला व्हाट्सएप का अकाउंट था उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों जो रिसेंटली मेरा जो अकाउंट था जिसके साथ मैं आप सभी के लिए पोस्ट शेयर करता था व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे अपने जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स थे उनको करेंटली मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा और वहां पर जो अकाउंट था मेरा जो फोन था उसको किसी वजह से रीसेट करना पड़ा एंड उसके बाद मुझे पता चला कि जो मेरा सिम है वो डीएक्टिवेट हो चुका है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने उसको नहीं यूज़ किया था और अभी वो मुझे एक्टिवेट करवाना पड़ेगा मैनुअली तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा एक दो दिन का तो फ़िलहाल यहाँ पर मेरा जो न्यू नंबर है न्यू अकाउंट है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक न्यू ग्रुप क्रिएट किया हुआ है डिस्कशन ग्रुप वही अपना पुराना वाला है ठीक है तो बाकी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा मैं उसका अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा ठीक है इसके बाद दोस्तों यहां पर जो मैं आपको अपडेट्स की तरफ लेकर चलने वाला हूँ वो अपडेट्स है यहाँ पर सिविक के बारे में सिविक के बारे में दोस्तों एक रिसेंटली अपडेट मिली है हम सभी के ई पर इस इस तरह का मेल आया होगा सिविक की तरफ से आप लोग चेक करना अगर आपने ज्वाइन किया था तो आपको भी आया होगा ठीक है तो यहाँ पर इनकी कंडीशन कुछ चेंजेस हो चुकी है हम लोगों ने सिविक का जो प्रोग्राम ज्वाइन किया था जिसमें यहाँ पर टॉप 100 के पीपल्स को 500 के सिविक दिए जा रहे थे जो भी टॉप 100 के पीपल्स की लिस्ट में आता है यानी कि टॉप एक लाख लोगों की लिस्ट में आता है उसको 500 हंड्रेड सेविक टोकन मिले थे लेकिन इनकी कंडीशन पहले कुछ अलग थी अब थोड़ी सी चेंजेस कर दी गए हैं पहले क्या था कि यहाँ पर जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे अपना आपको अर्ली एक्सेस कोड मिलेगा उसके बाद आप के वाई करोगे तो बारह महीने के अंदर आपको बारह ट्रांजेक्शन वहाँ पर कंप्लीट करनी थी लेकिन उसको चेंज करके कम कर दी गए और थ्री ट्रांजेक्शन में कम्प्लीट कर दिया गई है तो यहाँ पर तीन मंथ के अंदर हमें थ्री ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करनी है और जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 15 जून से लेकर 14 सितंबर तक के बीच में ये काम कर रहे हैं जिसमें से सबसे पहला काम है कि आपने वॉलेट को डाउनलोड करना है एंड अपना केवाईसी वेरीफाई करना है ठीक है एंड यहाँ पर दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और पता चली है कि जितने भी लोगों को अभी तक अर्ली एक्सेस कोड नहीं मिला है उसका मतलब यह है कि उनको अभी अर्ली एक्सेस कोड नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है जब एडमिन से ये पूछा गया है कि अर्ली एक्सेस कोड जिसको नहीं मिला है ये अपनी कम्युनिटी में से किसी एक पर्सन ने पूछा था और उन्होंने बताया कि उनको अर्ली एक्सेस कोड नहीं मिला है तो एडमिन का रिप्लाई ये आता है कि आपको साइनअप करने के लिए एंड के करने के लिए अब अर्ली एक्सेस कोड की ज़रूरत नहीं है अब आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर साइनअप कर सकते हैं एंड के कर सकते हैं तो पहले क्या होता था पहले वहाँ पर अर्ली एक्सेस कोड का हमें वेट करना पड़ता था उसके बाद हम उसको ऐप में डालेंगे उसके बाद हमारे सामने केवाई का ऑप्शन आता था लेकिन अब के का ऑप्शन डायरेक्टली आ जाता है और आपका जो ई मेल एड्रेस है उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाएगा आपने अगर ये वाला प्रोग्राम इनका ज्वाइन किया था लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन उन लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी एडिशनली ऐड कर दी है क्योंकि ये पहले नहीं था आई थिंक और एक्चुअली ये जो एक रेफरल प्रोग्राम था और इसमें इन लोगों ने बोला है कि आपको एक एटलीस्ट एक रेफ़र करना ज़रूरी था एक सक्सेसफुल रेफ़र करना ज़रूरी था तो अगर आपने किसी को भी रेफ़र नहीं किया है तो आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये लोग काउंट करेंगे कम से कम एक सक्सेसफुल रेफरल आपने करना ज़रूरी था इसलिए अगर आपने किसी ना किसी को रेफ़र किया था फिर वो चाहे कोई भी हो तो उस पर्सन को भी आपने के करवाना ज़रूरी है उस पर्सन को भी केवा करना जरूरी है इस वॉलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ठीक है एंड के करने के बाद के सिंपल है ईजी हो जाता है और बहुत ट्रस्टेड है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में बोला है कि आपको एटलीस्ट थ्री ट्रांजेक्शन करनी है तीन ट्रांजेक्शन करने के दो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं और दोनों को ही हमें फॉलो करना पड़ेगा जिसमें से पहला तरीका यह है कि आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से या फिर किसी भी दूसरे वॉलेट से आप सिविक वॉलेट में कोई भी फंड एक डिपॉजिट कर सकते हैं जिससे कि आपकी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और वो कितने भी अमाउंट का हो सकता है कम से कम कितना भी अमाउंट आप लोग ले सकते हैं लाइक like अगर वहाँ पर सिविक कॉइन है तो आप जस्ट वहाँ पर दो तीन सिविक डाल सकते हैं या फिर वहाँ पर इथेरियम है तो थोड़े से इथेरियम डाल सकते हैं या फिर वहाँ पर कोई दूसरा कॉइन है लाइक ट्रोन है तो वहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा वहाँ पर कौन कौन से कॉइन्स अवेलेबल हैं और मेरे ख्याल से आप लोग वहाँ पर सिविक कॉइन को डिपॉजिट कर सकते हैं वहां पर सिविक कॉइन है तो कम से कम दो तीन सिविक कॉइन वहां पर आप लोग डाल सकते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर सेकेंड वे आपको जो फॉलो करना है सेकेंड वाला तरीका उसमें आपने बची हुई दो ट्रांजेक्शन को कैसे करना है बची हुई दो ट्रांजेक्शन के लिए आपने अपने किसी फ्रेंड से बोलना है कि आपको वो सिविक वॉलेट में एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दे और उसका आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से आपको एक दूसरे की हेल्प करनी है यानी कि आपको कि एक फ्रेंड के सिविक वॉलेट से अपने किसी दूसरे फ्रेंड के सिविक वॉलेट में ट्रांसफर करना है यानी कि अपने सिविक वॉलेट से आप किसी दूसरे फ्रेंड के सिविक वॉलेट में कोई भी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं एंड वही फ्रेंड आपको भी कुछ भी सेंड करके कुछ भी किसी भी कॉइन को सेंड करके एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकता है तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें आप लोग हमारे डिस्कशन ग्रुप में आके एक दूसरे की हेल्प इस तरह से कर सकते हैं कि कोई पर्सन आपको एक सिविक कॉइन ट्रांस ट्रांसफर कर दे एंड वही पर्सन आपको फिर से दूसरा से कॉइन ट्रांसफर कर दे इस तरह से आप एक दूसरे की हेल्प करोगे तो बात यहाँ पर बन जाएगी ऐसे ही आप दो लोगों से करवा लोगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा तो दोस्तों ये आपके ऊपर है अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो एंड अगर आप ये करते हो तो अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा लेकिन इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी जो कंडीशन थी जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा वो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी कर देंगे ठीक है वो हमें दिसंबर के लास्ट तक पता चल जाएगा लेकिन जो रिवॉर्ड हमें मिलेगा वो लॉकअप पीरियड में रहेगा एक साल के लिए तो एक तरीके से देखा जाए तो वो रिवॉर्ड आपका है आप उसको यूज तो कर पाओगे लेकिन एक साल तक आप कुछ नहीं कर पाओगे एक तरीके से वो होल्ड रखना पड़ेगा और एक साल बाद ही आप लोग उसको ट्रेड या सेल जो भी करना है वो आप लोग कर पाओगे तो ओवरऑल दोस्तों ये अपडेट है बाकी अगर आपने इसको ज्वाइन किया था और आप इसके इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों यहाँ पर बाईडेस्क के बारे में बाई डेस्क का जैसे कि मैंने आपको पिछली अपडेट की वीडियो में बताया था एंड इनकी जो सी है उसको मैंने ट्विटर पर मैसेज किया था और उसके बारे में पूछा था कि कितना टाइम लगेगा कब ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर इनके सीईओ ने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये लोग चेक कर रहे हैं बहुत से स्पेम अकाउंट्स भी हैं और यहाँ पर उन्होंने एक एडिशनल कंडीशन को भी ऐड कर दिया मे बी यू नीड टू हैव बी टू रिसीव बाउंड्री बी डी के यानी कि हम हम लोगों को बी डी के कॉइन्स को होल्ड करना पड़ेगा बाउंड्री वाले बी डी के को रिसीव करने के लिए जो कि बिल्कुल भी अनफेयर है क्योंकि जब हमने इनका बाउंड्री ज्वाइन किया था तो वहाँ पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी और अब ये बोल रहे हैं कि आपको बी डी के कॉइन को होल्ड करना पड़ेगा तो ये बात उसको मुझे समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी आप लोग मैं सॉली ट्वीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीट्वीट करिएगा और कमेंट करिएगा जिससे कि ये आप हमारी बात को और समझें अब दोस्तों इस चीज़ से ये पता चलता है कि कितना कितना चीप लेवल है इनका कि बाद में अपने अपने यूज़र्स के साथ ही ये फेयर पॉलिसी नहीं रखते हैं सामने और बाद में रिवर्स कर देते हैं जिस तरीके से कम्युनिटी को बेफकू बनाया जाता है वो सब चीज़ें यहाँ पर पता चल रही हैं तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके पूछिएगा और अगर आपने ज्वाइन किया था तो आपका कमेंट करना यहाँ पर डेफिनेटली बनता है तो दोस्तों ये है इसके बारे में और इसके बाद यहाँ पर है स्नैप एक्स का आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था स्नैप एक्स का उस वीडियो में जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी उसमें से एक दो चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाया था सही से तो मैं आपको फिर से यहाँ पर इसमें बता देता हूँ पहली बात तो वहाँ पर जब मैंने आपको इस पॉइंट्स के बारे में बताया था और जो एयर ड्रॉप उनका चल रहा था पॉइंट्स जिसमें वो रिसिव्यूट कर रहे थे वो तो आप लोग फॉलो कर ही लेना क्योंकि वो हंड्रेड परसेंट ट्रू है और अगर आप उसको एक दो महीने तक फॉलो करते हो वहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनको अर्न करते हो तो फ्री में आप हंड्रेड डॉलर वहाँ से निकाल सकते हो ईजिली तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर एक भाई ने यहाँ पर बोला कि टेन थाउजेंड पॉइंट्स पूरी लाइफ में कलेक्ट नहीं कर सकते शायद उन्होंने वीडियो को अच्छे से देखा नहीं तो मैंने वीडियो में बताया था कि वहाँ पर जो उनके वीकली वहाँ पर जो स्ट्रीमिंग होती है वहाँ पर जो उनके टेलीग्राम पर टास्क आते हैं या उनके यूट्यूब पर जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो उसके थ्रू वहाँ पर अर्न किए जा सकते हैं उनके यूट्यूब पर भी एवरी वीक लाइव स्ट्रीमिंग होती है जिसमें एवरी वीक वो लोग फाइव पॉइंट्स देते हैं जिसमें से हमारी कम्युनिटी में से कुछ लोग उसको एवरी वीक ज्वाइन करते हैं और उन्हीं लोगों ने इसके बारे में मुझे बताया है आप लोग ये वाला टेक्स्ट पढ़ सकते हैं ईजिली जिसमें आपको पता चल जाएगा और वो लाइव स्ट्रीम वगैरह कब होता है वो आप लोग स्नैप के टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहिए वहाँ से आपको सब चीज़ें पता चलती रहेंगी और उनके टेलीग्राम के ग्रुप के बारे में सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं अगर आपने ये वाला हमारा पोस्ट देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने जो आपके साथ शेयर किया था तो इसमें आपको मैंने स्नैप के टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और बाकी इनका जो फीडबैक फॉर्म चला था इसके बारे में शायद ये अब क्लोज हो गया है आप लोग देख लेना एक बार अगर आपने नहीं किया हो तो और बाकी इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चॉइज़ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ स्नैप एक्स जब आप साइनअप करते हो एज अ न्यू यूज़र तो यहाँ पर आपको जनरल टास्क जो मिलते हैं इनके थ्रू आप पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था वो मुझे लगा कि अभी इन लोगों का ये वाला जो न्यू यूज़र के लिए ये वाले टास्क हैं वो उन लोगों ने हटा दिए हैं लेकिन अभी भी ये स्टिल एक्टिव है और यहाँ पर जो जनरल टास्क मिलते हैं इनको आप लोग ग्रैप कर सकते हो ठीक है इनके टेलीग्राम का लिंक भी आपको यहाँ से भी मिल जाएगा तो यहाँ से आप लोग उनके टेलीग्राम के ग्रुप में एक्टिव रह सकते हैं वहाँ पर जो भी इनकी एक्टिविटी होती रहती है उसको उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा एवरी डे आप लोग यहाँ पर फाइव स्नैप पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं और वन हंड्रेड स्नैप पॉइंट्स एवरी वीक यहाँ पर कलेक्ट किए जा सकते हैं ठीक है तो दोस्तों इसमें आपको बस यही बताना था आप लोग थोड़ा सा इनके टेलीग्राम पर एक्टिव रहिए मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर जैसे जैसे पॉइंट्स को कलेक्ट कर पाएंगे कुछ ही समय में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और समय के हिसाब से जो यहाँ पर प्रॉफिट मिल जो बेनिफिट अपॉर्चुनिटी मिले स्नैप कॉइन स्नैप पॉइंट्स को अर्न करने की उनको आपने मिस नहीं करना और बाकी जैसे ही आपको पता चले आप मुझे बता देना और अगर कोई इनके न्यू एक्टिविटी आती है स्नैप पॉइंट्स की मुझे पता चलता है तो मैं आपको इमिडिएटली बता दूंगा और पूरी कम्युनिटी में सबको अलर्ट कर दूंगा तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका है अभी के लिए बस इतना ही है दोस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ न्यू और इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ न्यू अपडेट्स के साथ तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय टेक केयर एंड सी यू सून